हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, ये वैसे तो देखा जाए तो क्लास टेंथ का एक चैप्टर है, रसोई घर किचन, ठीक। लेकिन अगर इसको पेपर आप व्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका जो TGT PGT और LP का पेपर है, नेट का पेपर है, ठीक। तो उसमें भी आपका रसोई घर पूछा जाता है, रसोई घर किचन किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका पेपर में, पेपर आप व्यू की नज़र से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करूँगी, किचन, ठीक है। किचन किसे कहते हैं, अगर मैंने एक बार बताया कि अगर हमारे क्लास टेंथ के बच्चों का ये देखा जाए तो उनका, उनके ये क्या कहते हैं, उनका एक चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है, जो कि ये पेपर में पूछा जाता है। और उसी को कवर करते हुए हम लोग TGT PGT LD, यानी कि इसमें सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला ये टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किचन क्या होता है या रसोई घर क्या होता है। तो अगर देखा जाए तो सभी लोग रसोई घर से परिचित होंगे, ठीक है, सभी लोग रसोई घर से परिचित होंगे, क्योंकि रसोई घर एक ऐसा स्थान होता है, ठीक है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे क्या कहते हैं, घर की जो गृहिणी होती है उसका अधिकांश समय व्यतीत होता है। और रसोई घर से लोग क्यों परिचित हैं, तो रसोई घर से इसलिए परिचित हैं क्योंकि यहाँ पे सबके घर में एक रसोई घर होता है जहाँ पे खाना पकाया जाता है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि रसोई घर वह कमरा या स्थान होता है जो भोजन के लिए होता है, ठीक, भोजन के लिए होता है। और साथ में क्या होता है कि उससे संबंधित वहाँ पे जो भी भोजन पकाने के, जो उससे संबंधित वहाँ के सामान होते हैं, वो सारे सामान उस स्थान पर या उस कमरे में रखे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे अन्य घरेलू सामान हो गया, आपका बर्तन हो गया, तो ये सारे चीज क्या होता है, उस स्थान पे रखे हुए होते हैं। घर का वह कक्ष, ठीक, घर का वह कक्ष या कमरा जहाँ पर भोजन पकाया जाता है उसे रसोई घर या पाकशाला कहा जाता है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसको जान सकते हैं कि रसोई घर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो रसोई घर वह स्थान होता है जहाँ पे घर के लिए, घर के सदस्यों के लिए भोजन पकाया जाता है, वही आपका रसोई घर होता है, उसे आप पाकशाला भी कह सकते हैं। अगर पाकशाला की बात आती है तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग का नाम आता है, अलीजा वेंट, और इनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो बेबेरिज है, ठीक है। अलीजा वेंट बेबेरिज ने क्या कहा है रसोई घर को, इन्होंने रसोई घर को कहा है कि रसोई घर जो है वो घर की क्या होती है, कार्यशाला होती है। क्या होती है, घर की कार्यशाला होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो गृहिणी होती है उसका अधिकांश समय कहाँ पे व्यतीत होता है, तो आप लोग जानते हैं उसका अधिकांश समय रसोई घर में ही व्यतीत होता है, वो किचन में ही अपना खाना बनाती है, ठीक है, लोगों के पसंदों की खाना बना के देती है, चाहे वो बच्चों की फरमाइश हो या घर के बड़े लोगों की फरमाइश हो, तो हर फरमाइश से हर एक स्वादिष्ट जो खाना होता है वो आपके किचन में बनता है। तो इसीलिए इसे घर की एक कार्यशाला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए कि रसोई घर जब इतना समय गृहिणी, ठीक है, जब एक गृहिणी इतना समय, पूरा समय अपना कहाँ पे व्यतीत कर रही है, रसोई घर में व्यतीत कर रही है, किचन में व्यतीत कर रही है, तो किचन भी एक सुविधाजनक होना चाहिए। अगर पहले की बात की जाए, तो रसोई घर कैसी होती थी, यहाँ पे ना ही अधिक रोशनी की व्यवस्था होती थी, ना कोई हवा आने जाने की व्यवस्था होती थी, ठीक है, ईंधन पे ईंधन जला के खाना बनता था तो धुएं भी बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक। तो ये पहले की बातें, पहले ऐसे किचन होते थे, बैठ के खाने की व्यवस्था होती थी, बैठ के खाना बनाने की व्यवस्था होती थी, लेकिन आधुनिक युग में अब ये चेंज हो गया है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग, अब जो चेंज हो गया उस हिसाब से अगर हम लोग किचन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग किचन की बात करते हैं तो हमें कुछ बातों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि किचन का चुनाव करते समय हमें क्या करना चाहिए, कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान देने योग्य बातें अगर हम लोग देखें, ठीक, ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है, अगर हम
लोग बातें देखते हैं या जो बातों के अलावा अगर हम लोग कह दें महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है, ठीक है, बिंदु अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले कि हमें जब भी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि रसोई घर का चुनाव कर रहे हैं, तो उस समय हमें कैसी व्यवस्था रसोई घर की करनी चाहिए या उसका चुनाव हमें कैसे करना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें रसोई घर की, अगर हम लोग स्थिति की बात कर लें, ठीक, कि रसोई घर जो होता है आपका, उसकी स्थिति कहाँ होनी चाहिए मकान में, स्थिति, ठीक, तो अगर इसकी स्थिति की बात हम लोग कर लेते हैं तो स्थिति इसकी जो अगर ध्यान दिया जाए तो कहाँ होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये कहाँ होना चाहिए, मकान के पीछे होना चाहिए। कहाँ पे, तो मकान के पिछले स्थान पे होना चाहिए। अब पिछले स्थान में भी बात को ध्यान रखेंगे कि पिछले स्थान में क्यों, क्योंकि एक ये जो लिखा गया वो पिछले स्थान पे होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ये मैंने बताया कि पहले कैसे किचन होता था, तो पहले बैठ के खाना बनाना, ईंधन जला के चूल जो होती थी उस पर, अगर देसी भाषा में से ही बोला जाए, चूल जिसे बोलते हैं, आग जला के खाना बनता था, तो उस समय धुआं वगैरह बहुत होता था। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या करना होता था कि अगर हम लोग घर के पिछले स्थान पे किचन को बनाते थे तो उससे ये सुविधा होती थी कि जो धुआं वगैरह होता था वो पूरे घर को काला नहीं करता था, क्योंकि ईंधन जलने से बर्तन भी काले होते हैं, प्लस आपका क्या काला होता है, घर भी काला हो जाता है, और स्त्री को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता था, गृहिणी को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, तो ये सारी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब के हिसाब आप अगर ये आधुनिक क्योंकि आप लोग किचन बनवा रहे हैं तो इसको घर के सेंटर में भी किया जा सकता है। इससे क्या होता है, डाइनिंग रूम जो होता है आपके उसके बगल में भी आप लोग किचन बनवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही सुविधाजनक होता है। और इसकी दिशा की ये स्थिति हो गई, और इसकी दिशा की अगर हम लोग बात करते हैं कि दिशा किधर की तरफ होनी चाहिए, तो ऐसा माना जाता है, देखिए दिशा की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्रकाश के लिए हमेशा दिशा किधर होनी चाहिए, पूरब में होनी चाहिए, पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा होनी चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, क्योंकि हमेशा हमारा सूर्य किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है, तो इससे सुबह की रोशनी तुरंत आपके कहाँ पड़ेगी, आपके किचन में आएगी, तो किचन में जो भी बैक्टीरिया होंगे या जो भी जीवाणु होंगे वो सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाएंगे। इसकी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए किचन में दोनों तरह की रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है, चाहे आपकी वो कृत्रिम आ जाए, ठीक, कृत्रिम व्यवस्था भी होनी चाहिए, प्लस आपके प्राकृतिक प्रकाश का बहुत ही ज़्यादा महत्व पड़ता है, तो एक प्राकृतिक जो कहते हैं प्राकृतिक भी लेवल को बना के रखना चाहिए, ताकि प्राकृतिक प्रकाश भी किचन में प्रवेश करता रहे। तो हमेशा इसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, पूर्व या उत्तर पूर्व की दिशा में होनी चाहिए। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे बिंदुओं पे बात करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, आगे हम लोग बिंदुओं पे बात करते हैं, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई कि इसकी स्थिति किधर होनी चाहिए, घर के पिछले हिस्से में होनी चाहिए या मध्य हिस्से में भी बनवाया जा सकता है। ओके, उसके बाद फिर अगर मैंने इसकी दिशा की बात की, तो दिशा की बात मैंने क्या किया कि दिशा आपकी उत्तर पूर्व में होनी चाहिए, पूरब और उत्तर पूर्व में रखनी चाहिए। अब अगर हम इसकी आकार की बात कर लें, किसकी बात करें, दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, आकार इसका कितना, ठीक, आकार की बात कर लेते हैं, आकार कितना होना चाहिए। तो आकार की बात करें तो ये 8x8 का होना चाहिए किचन, 8x8 हो सकता है, या फिर आपका, ठीक है, या फिर आपका क्या 9x10, ठीक, या फिर आपका क्या हो सकता है, ठीक है, 9x10 या 9x12 का होना चाहिए, ठीक, 8x8, 9x10 या 9x12 का आपका किचन बन सकता है। ये एक समांतर आकार दिया गया है, ठीक, फिट की बात हो रही है, ठीक, मीटर की नहीं, फिट की बात हो रही है कि इतने फिट की ये बनती है, 8x8 की लंबाई चौड़ाई कर दी जाए या 9x9 की चौड़ाई हो जाए 8 की लंबाई, इस हिसाब से आप अपने स्थान के अनुसार बना सकते हैं। ये तो एक समांतर आप लोग को आकार बताया गया है, ठीक है, समांतर आकार बताया गया है, लेकिन
ये घर, अब आपके घर पे आप घर जहाँ बना रहे हैं, आपके उस घर के स्थान के, यानी आपके पास कितने स्थान है उसके ऊपर निर्भर करता है। आप उस हिसाब से इसको बनवा सकते हैं, यानी छोटा स्थान है तो इससे कम में भी बनवा सकते हैं, आपके पास ज्यादा स्थान है तो इससे ज्यादा में भी बना सकते हैं। लेकिन समानतया जो आकार दिया गया है यही दिया गया है। जैसे कि जो टीजीटी पीजीटी के पेपर, ये जो पेपर आ रहे हैं इसमें इसमें जो पूछा जाएगा आपसे कि समानतया आकार किचन की कितनी होती है, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, आपको उस पे टिक लगाना होगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अब अगर हम तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरे पॉइंट की, तो इसके फर्श की बात करते हैं। ठीक है, इसका फर्श जो होता है कि फर्श को कैसा, किचन का फर्श कैसा होना चाहिए, तो किचन का फर्श जो है बिल्कुल चिकना और कैसा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। चिकना क्यों होना चाहिए? चिकना इसलिए होना चाहिए कि जब भी हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ उस पर गिरता रहता है, हम लोग तड़का वगैरह देते हैं तो उससे छींटे उड़ते हैं तेल के, ठीक, सब्जी गिर गई तो उसके हल्दी के दाग, तो ये सारे दाग लगने के जो तेड़ होते हैं, अगर आपका चिकना सतह है तो क्या होगा, चिकना सतह होने से उसकी सफाई सरलता पूर्वक की जा सकेगी। और टिकाऊ होने का कि कभी कभी हम लोग काम करते रहते हैं, कोई चीज उस पर गिर जाए फर्श पे तो वो टूटे नहीं, इसलिए इसको चिकना और कैसा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। ठीक है, और इसकी एक बात और हम लोग कर लेते हैं, चौथा पॉइंट की अगर बात करें तो इसका ढलान। ठीक है, फर्श बनवाते समय जो किचन का ढलान होता है, मान लीजिए कि आपका फर्श है, ठीक, ये फर्श है और पानी निकलने की जगह यहाँ पे नाली दी गई है, ठीक, तो यहाँ पे नाली दी गई है, तो कहने का मतलब इसका क्या है, इसकी ढलान ऐसे होनी चाहिए ताकि अगर पानी यहाँ से गिरता है तो डायरेक्ट बहकर कहाँ जाए, आपकी नाली में चला जाए। तो फर्श बनवाते समय हमें हमेशा ढलान की बातें ध्यान रखना चाहिए कि उसका ढलान नाली की तरफ ही रखना चाहिए, ताकि जो है पानी, जब भी अगर पानी गिरे या हम किचन को साफ करें, किचन को धुले, तो वो क्या हो, पानी आसानी से नाली में बहकर चला जाए। ओके, अब इसके बाद अगर हम कर लेते हैं दीवार की, दीवार, ठीक है, तो जब हम दीवार दीवार की बात करते हैं तो इसपे भी जो भी हम लोग टाइल्स और मोजक लगवा रहे हैं, मोजक भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का मोजक जो होता है, एक प्रकार का ये भी पत्थर होता है, जब इसकी हम लोग जाते हैं, इसकी जब हम लोग चुनाव करते हैं, तो इसको हमेशा ऑयल प्रिंटेड वाले ही क्या लेना चाहिए, आपको टाइल्स लगवानी चाहिए। इससे क्या होता है, मैंने अभी भी बताया, हम लोग खाना बना रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं, तो तेल की जो छींटे उड़ रही हैं, ठीक है, तेल की छींटे ऐसे आप लोग देखते होंगे कि किचन में क्या होता है कि ऐसे एक पट येलो कलर की ऐसे काई जैसे हो जाती है, ठीक है, अगर उसकी सफाई नहीं की जाए, अगर आपका चिकना सतह नहीं होगा तो वो साफ नहीं होगा, ठीक, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमेशा अच्छे ऑयल प्रिंट वाले ही, जो ऑयल पॉइंट के आपके टाइल्स होते हैं उन्हीं का चुनाव करना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर अगर हम लोग और आगे इसकी बात करते हैं कि हमें किस प्रकार का चुनाव करना चाहिए, ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि चुनाव कैसा करना चाहिए, तो प्रकाश की व्यवस्था है, तो मैंने आपको बताया कि किचन में हमेशा दो तरह के, यानी कि आप कृत्रिम प्रकाश की भी व्यवस्था करिए और किसकी व्यवस्था करिए, प्राकृतिक प्रकाश की भी व्यवस्था करिए। तो इसके लिए आपको किधर, किस दिशा में बनवाना है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में आपको इसका क्या है स्थान, जो उसका खिड़की हो गया, रोशनदान हो गया, दरवाजा, तो वो उस तरफ से होना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर उजाला मिलता रहे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे वायु की बात कर लें, समवातन, ठीक है, उचित तो हवा आती जाती रहे आपके किचन में, जिसे समवातन कहते हैं। समवातन का मतलब कि शुद्ध वायु का आपके किचन में प्रवेश करना, जो अशुद्ध वायु है वो बाहर निकलना, तो इसकी व्यवस्था भी अच्छी तरह होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें दिशा कैसी कैसी दिशा में करना चाहिए, तो आपका दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम की दिशा में इसका वो दरवाजे का मुख या रोशनदान का मुख रखना चाहिए, ताकि दरवाजे से शुद्ध हवा आए और अशुद्ध हवा आपके रोशनदान से निकल जाए। ओके, तो रोशनदान से क्यों निकल जाए, अब आप लोग सोच रहे हैं, तो रोशनदान यानी कि आप लोग खाना वगैरह बना रहे हो तो वहां की हवा अशुद्ध हो जाती है, गर्म हो जाती है,
और गर्म होने पे हवा कैसी हो जाती, हल्की हो जाती। हल्की होने से क्या करती है, वो ऊपर उठती है और उस उसके स्थान को घेरने के लिए दरवाजे से आपकी शुद्ध हवाएं प्रवेश करती है। ओके, तो इस तरह से संवर्धन व्यवस्था को भी ध्यान में रखकर किचन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैंने ये आप लोगों को कुछ पॉइंट बताया, यानी कि कुछ पॉइंट, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें कि किचन बनवाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछे जाते हैं कि किचन का निर्माण करते करते किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि इसकी स्थिति कैसे होनी चाहिए, मकान के पीछे होनी चाहिए। इसकी दिशा की बात कर ली जाए तो पूर्व या उत्तर पूर्व की दिशा में होनी चाहिए, ताकि अच्छी हवा आपको प्राप्त हो, रोशनी प्राप्त हो सके। मैंने स्थान की बात बताई कि इसका आकार कैसा होना चाहिए। ठीक, आकार मैंने आप लोग को बताया 8x8 या 9x10, 9x12 का भी आप अपने किचन को बनवा सकते हैं। ये समानतया मैंने बताया आपको, ये समानतया आपको एक क्या नाप दिया गया है, बाकी तो आपके स्थान के ऊपर है कि आपके पास कितने स्थान है, आप अपने अनुसार किचन बनवाते हैं। ओके, उसके बाद मैंने फर्श की बात की कि इसका फर्श कैसा होना चाहिए, चिकना और टिकाऊ होना चाहिए, ढाल युक्त होना चाहिए, वो भी ढाल किधर की तरफ होनी चाहिए, जिधर आपकी नाली हो, ताकि अगर आप फर्श को धुल रहे हैं, ठीक, किचन को धुल रहे हैं, पानी गिर गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो उसके अच्छे से पानी बाहर निकल जाए। ओके, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि इसकी दीवार पे अगर आप टाइल्स मोजेक वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लगवा रहे हैं, तो आपको वायर, ठीक, ऑयल पॉइंट वाले ही टाइल्स लेना चाहिए, ताकि उस पर जो ऑयल की छींटे पड़ रही हैं उसको आसानी से साफ किया जा सके। फिर मैंने आप लोग को बताया कि इसमें प्रकाश और वायु की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए आपको सूर्य की तरफ जो आपका मुख होता है, ठीक, उसकी तरफ आपका दिशा होनी चाहिए। ओके, आज की वीडियो में मैंने आप लोग को रसोई घर किसे कहते हैं, रसोई का चुनाव करते करते किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि किचन कितने प्रकार के होते हैं, रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में यहाँ पे क्लास चलती है, कोई पेड क्लास नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग हमसे लाइव बातें करना चाहते हैं तो हर सैटरडे 2 बजे लाइव आना बिल्कुल ना भूलें। मैं लाइव हर सैटरडे शनिवार को 2 बजे मैं लाइव आती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे बातें करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप सैटरडे को लाइव आना बिल्कुल मत भूले। ओके, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।